आईएमए के आह्वान पर डॉक्टरों ने मिक्सोपैथी के विरोध में आज भूख हड़ताल की। दरअसल केंद्र सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की मंजूरी देने का फैसला लिया है, जिसके विरोध में पूरे देश में आईएमए ने जंग छेड़ दी है। 1 फरवरी से आईएमए डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सिरसा शहर में कैंडल मार्च भी निकाला गया था और आज भूख हड़ताल की गई है। आईएमए डॉक्टरों का कहना है कि आयुर्वेद के चिकित्सकों को सर्जरी की मंजूरी देना गलत है। केंद्र सरकार का मिथ्योपैथी को लेकर लिया गया निर्णय लोगों के हित में नहीं है। दोनों पैथियों को एक में मिला देने से खतरा बढ़ सकता है और इसका दुष्परिणाम अंत में समाज को ही भोगना पड़ेगा। आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने से अनहोनी भी हो सकती है, जिससे लोगों का चिकित्सकों के प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा। ये हमारा है ना आईएमए अगेंस्ट मिक्सोपैथी, हमने एक मुहिम शुरू करी है जो सरकार ने एक नया लॉ बनाया है कि भी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, बीएमएस डॉक्टर हैं, उनको कुछ सर्जरीज करने की अनुमति दी है, जो 3 से 4 महीने में उनको सिखा के और उनको इसमें हमारी स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं। हम इसके अगेंस्ट यहाँ पर आज सारा दिन की जो है ना भूख हड़ताल में बैठे हैं। ये बेसिकली हमारी अकेले की नहीं है, ये पूरा आईएमए जो है हरियाणा लेवल पे हर जगह भूख हड़ताल चल रही है। तो एक रिले हंगर स्ट्राइक है, ये सब लोग इकट्ठे होके जो आसपास के हैं वो दिल्ली हेडक्वार्टर में बैठे हैं। जैसे हम लोग आज यहाँ पर हैं, चक्का जाम हो रहे थे, नहीं जा पाए, तो हम लोग आज यहाँ पर जो है सारे दिन की भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो मुद्दा हमारा वही है। तो सर आज कितने डॉक्टर्स भूख हड़ताल पे हैं? हमारे 20 से 25 डॉक्टर्स जो हैं जो यहाँ पर भूख हड़ताल पे हमारे साथ। और आगे क्या रणनीति रहेगी सर? आगे हम 10 तारीख को दोबारा हम लोग जो है हम एक और भूख हड़ताल करेंगे और 14 तारीख तक हमारा कोई ना कोई किसी रूप में कुछ ना कुछ स्ट्राइक या कुछ इस तरह की पब्लिक अवेयरनेस हमारा चलता रहेगा। 14 तारीख तक हमारा ये है। मिक्सोपैथी बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर 3 तरीके की पैथी बहुत कॉमन है, होम्योपैथ, आयुर्वेद और एलोपैथ। हर पार्ट का अपना एक सिग्निफिकेंस है। होम्योपैथिक मेडिकेशंस कुछ हद तक आपको मेंटली भी सेटिस्फाई करती हैं, साइड इफेक्ट्स भी कम रहते हैं। कुछ लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन सूट करती है, तो आप होम्योपैथी डॉक्टर को ये कह दें कि तू आयुर्वेदिक दवाई भी लिख ले, एलोपैथ भी लिख ले, तू सर्जरी भी कर दे, इट्स नॉट गुड फॉर देम। उनके लिए भी अच्छा नहीं, जनता के लिए भी अच्छा नहीं, मरीज के लिए भी अच्छा नहीं। ना अच्छा है आयुर्वेद के लिए, ना अच्छा है एलोपैथ के लिए। सेम फॉर आयुर्वेद, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट कम होते हैं, लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती हैं। कुछ लॉन्ग टर्म बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर आयुर्वेद बहुत ही कारगर है, हम मानते हैं इस बात को, हम खुद कह रहे हैं। लेकिन जब आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को सर्जरी करने की अनुमति देंगे जो कि इस चीज़ में निपुण ही नहीं है, जिसको इस बारे में बताया तक नहीं गया है, आप सिर्फ उनको एक मार्गदर्शन दे करके किसी के अंदर कलवा करके 6 महीने 8 महीने 3 साल 2 साल की ट्रेनिंग दे करके उनको आप बिठाएंगे, तो ये उनकी खुद की पैथी के खिलाफ भी खिलवाड़ है, मरीजों के साथ भी खिलवाड़ है, आम पब्लिक के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि आम पब्लिक को ये नहीं पता होता कि ये किस चीज़ का डॉक्टर है, वो अपने आप को एक सर्जन लिखेगा, उसको खुद को भी नुकसान होगा, आम पब्लिक को भी नुकसान होगा। हाँ, तो हमारी CCIM से, हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि इस चीज़ को तुरंत हटाया जाए। हम इस चीज़ को लेकर के आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हमारा आगे भी इस चीज़ को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठने का प्लान है। 10 तारीख को हम लीगल भी इस मैटर को आगे लेके जा चुके हैं। हम हर तरीके से घोर निंदा करते हैं इस चीज़ की। हम चाहते हैं कि आम पब्लिक के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो सर रणनीति क्या रहेगी भूख हड़ताल के अलावा, क्या क्या प्रदर्शन किए जाएंगे? आज हमने 3 दिन पहले कैंडल मार्च निकाला था, लोगों के बीच में एक जागरूकता लाने की कोशिश करी थी। अब 10 तारीख को भूख हड़ताल है, उसके बाद हमारा हर 2 घंटे के लिए हमारी स्ट्राइक है। हर 2 घंटे हमारे 8 से 10 तक, सुबह 8 से 10 तक हम लगातार 1 तारीख से स्ट्राइक पे बैठे हैं। 8 से 10, 1 से 14 तारीख तक कंटिन्यू हमारी स्ट्राइक रहेगी। 14 तारीख के बाद में जो हमारी सेंट्रल संस्था है, जो हमारी सर्वोच्च आईएमए की संस्था है, जो हमें दिशा निर्देश देगी, हम उस पर आगे बढ़ेंगे।